मैं लाए जा रहा हूँ भाई। या ओके सो वी आर लाइव। हाय राजेश, स्वागत है, विश्व संवाद में आपका स्वागत है। और बहुत ही मुझे खुशी है कि आज मैं फिर से बरसों बाद तुमसे जुड़ रहा हूँ। और तो हम बात शुरू करें, और उसके पहले मैं एक चेक करना चाहता हूँ, हमारे जो भी दोस्त अटेंडीज है उन लोगों का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग यहाँ फ्रंट रो में हैं, मतलब आज इस लाइव वेबिनार के इस प्लेटफॉर्म पर हैं, लेकिन हमारे साथ, लेकिन हम जुड़े हुए हैं उज्जैन वाले ग्रुप के साथ, जिसमें करीब 1.5 लाख मेंबर्स हैं राजेश। और साथ साथ ही हम डायमंड जुबली पेज है गेसू का, वहां पर भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि कुछ 1,60,000 लोगों तक हमारी पहुंच है, और आज का ये सेशन लोग बहुत उत्सुकता के साथ सुन रहे हैं। आप ईयरफोन यूज कर सकते हैं क्या? ये आवाज का फीडबैक हो रही कर सकते हैं। है, ये आवाज कहाँ से फीडबैक हो रही है मुझे नहीं पता है। नहीं, मेरे यहां से नहीं हो रही होगी। अच्छा ठीक है, तो आगे हम आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं, कहीं ना कहीं से आवाज आ रही है, पर ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे सबसे पहले तो हमारे सभी जो अटेंडेंस है उनका मैं स्वागत करता हूँ। यस प्लीज, देयर इज सीम्स टू बी सम प्रॉब्लम विद द वॉइस। ये वॉइस के बीच में डिस्टरबेंस कहाँ से आ रहा है हमें भी पता नहीं चल रहा है, पर हमें बताइए कि क्या हमारी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हाय अंकेश, दिनेश, नितिन, क्या हमारी आवाज आपको सुनाई दे रही है? लेट अस डू ए वॉइस चेक राइट नाउ, साउंड चेक। ओके देखें, हियर एंड आई थिंक वो वॉइस भी अब चले गई है। और राजेश, दिनेश, राजेश हमारे साथ संजय किमे साहब भी जुड़ रहे हैं। और तो लेट अस स्टार्ट दी शो नाउ। ओ यस, सबसे पहला सवाल, पर उसके पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं, श्रोताओं को बता दूं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम ये गेसू तो गेसू के दोस्त तो मैं जानते ही हूँ, लेकिन जो गेसू के लोग नहीं है उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि राजेश एक बहुत ही एचआर थॉट लीडर हैं। और एचआर की दुनिया में करीब 30 साल का इनका अनुभव है, जो अपने आप में बहुत बड़ा अनुभव है, जिसका फायदा आज हम उठाना चाहते हैं। साथ ही हमारे जो दोस्त राजेश जैन अभी मुंबई में है, और वेल स्पन एंटरप्राइज लिमिटेड में चीफ एचआरओ है, और एक ऐसे सीनियर एचआरओ का हम अभिनंदन करते हैं। राजेश, इस फोरम में, गेसु संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और बहुत सारे लोग आपको सुनना चाहते हैं और बहुत उत्सुक हैं, खास तौर से इसलिए कि गेस कि ये जो दौर है, कोविड जो दौर है, इसमें बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में तो बहुत से लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयज पर क्या फर्क पड़ेगा, इस दृष्टि से बहुत ज्यादा बात नहीं हुई है। तो चूंकि आप इसी के एक्सपर्ट हैं, तो आपसे मैं बात शुरू करता हूँ। ओके, तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो कोविड है, इसका कोई फर्क सचमुच में एम्प्लॉइज पर पड़े हैं क्या? निधि, ये अब और क्या देखना बाकी है, हाँ ओके कितनी देर हम डिनायल मोड में रहेंगे, है ओके ना।
सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि फर्क पड़ेगा, जाहिर सी बात है फर्क पड़ चुका है, पड़ रहा, पड़ेगा। ये जो फर्क हम पे पड़ रहा है वो ये नहीं है कि कोविड की वजह से फर्क पड़ रहा है, खास एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। कोविड इज दी ऑब्वियसली दी रूट कॉज, बट दिस इज रिजल्टिंग इन टू एक्चुअली बिजनेस लॉस। तो अगर हम देखें कि पहले हमें ऐसा लग रहा था कि ये कोई एक दिसंबर की बात है जब मुझे मुंबई शिफ्ट होना था, हमें हम ये हमने अखबार में पढ़ा, न्यूज़ में सुना कि चाइना कोई वायरस आ गया है, तो हमारा रिएक्शन यही था, ये साला चाइना में कुछ ना कुछ नाटक चलता ही रहता है, एंड वी जस्ट हश हश द न्यूज़। न्यूज़ चलती थी तो हम अवॉइड करते थे कि यार ये कौन सुने, अपने को क्या लेना देना, चाइना हुआ होगा राइट। फिर उसके बाद में ये धीरे धीरे बातें और होने लगी, चाइना में हो गया, यूएस में हो गया, हमें लगा ये मुल्कों की प्रॉब्लम है, तो कुछ होगा नहीं। सो वी ऑल वर इन द डिनायल मोड। कुछ लोग दिसंबर से लेके अब तक अभी एक्सेप्टेंस मोड में आ गए, कुछ लोग हम में से अभी वो अभी भी डिनायल मोड में है। ये क्या होता है कि एक एक आपने स्टोरी सुनी होगी, एक एक घर था, पुराने जमाने की बात है, एक घर में एक फार्मर का घर था, और उसके घर में एक चूहा, एक चिकन, एक पिग और एक बड़ी भारी भरकम गोट थी उसके घर में। तो एक बार क्या हुआ, एक दिन चूहा भागा भागा चिकन के पास गया था, हेन के पास गया, अरे मैंने अभी अभी मालकिन को बाजार से एक रैट ट्रैप को खरीद के लाते हुए देखा है, वो तो रैट का ट्रैप, मैं कभी भी उसमें फंस जाऊंगा, मैं तो मारा जाऊंगा, मेरी कुछ मदद करो, मैं प्रॉब्लम में हूं। तो उसको हेन ने बोला कि यार कोई बात नहीं, ये देखो आई आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, बट यू सी इट इज योर प्रॉब्लम, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस, और वैसे भी उस ट्रैप का मेरे से कोई लेना देना नहीं है भाई, ये तो तेरी प्रॉब्लम है, तू समझ ले। भागा भागा फिर पिक के पास गया, ने भी उसको ध्यान से सुना, लेकिन बाद में ही बोला कि यार ये हशश कर दिया, मतलब ये भाई तेरी प्रॉब्लम है, मुझे क्या बता रहा है, तू अपने अपने जो देखना देखी। फिर वैसे ही वो गोट के पास गया, गोट ने भी वही जवाब दिया, और अल्टीमेटली जुए को लगा यार ये व्हाई इट इज हैपनिंग टू मी ओनली, इस सिर्फ उसकी प्रॉब्लम है, बाकी सब लोग आराम से सो गए। उस रात क्या हुआ कि एक सांप, जहरीला सांप घर में घुस गया, और वो गलती से रैट ट्रैप उन्होंने लगाया था उसमें फंस गया, फटक की आवाज आई, तो फार्मर की जो वाइफ थी वो भागी, कि उसको एक्साइटमेंट थी कि चूहा है घर में भाई, पकड़ा गया, आमतौर पे तो वो चूहा पकड़ा गया, तो उसने अंधेरे में जैसे ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो वो जहरीले सांप ने उसकी वाइफ को काट लिया। जहरीला सांप था, वो बीमार हो गई, उसको अस्पताल लेके गए, अस्पताल में कोई दवाई वाई दी गई, वापस आई, लेकिन वो बुखार था उसका नहीं उतर। तो होता है आमतौर पे क्या किया जाता है कि चलो जी बुखार है, इसको थोड़ी गर्म चीज पिलाई जाए, उन्होंने बोला चिकन सूप दो, तो उन्होंने क्या किया, घर में चिकन था ही, हैन पड़ी थी, उसको पकड़ा, काटा, उसका सूप बनाया, पिया, फिर भी काम नहीं बना, बीमारी क्यों। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि कुछ रिश्तेदार देखने वखने आए, तो अगले दिन, अगले हफ्ते बाद, 5 दिन बाद पिग को काटा, उसकी खाना डिनर बना और गया, तो पिग भी गया। ऐसे करते करते एक दिन क्या हुआ, वो उसकी वाइफ ठीक नहीं हुई, मर गई। मर गई तो वो जो श्राद्ध व्राद्ध होता है उसके, वो कुछ ऐसी रस्म थी, और उस चलते वो बड़े बकरे को भी काटा गया और उसको परोस दिया गया, चूहा तो बच गया। लेकिन जो लोग ये सब सोच रहे थे, डिनायल मोड में थे कि भाई मेरे को कुछ नहीं होगा, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं, किसी और की प्रॉब्लम है, मारे। सो देखो अभी स्थिति, ये तो खैर मेटाफर है और कहानी की बात है, लेकिन बहुत सारी चीजें उसी तरह से हुई लेके अब तक। बहुत सारे लोग, पहले कंट्रीज, पहले मैं बोलूंगा, पहले कंट्रीज जो सोचती थी हम कभी इस चपेट में नहीं आएंगे, वो इस चपेट में आ गए, तो लोग भी
हम लोग देखते थे कि यार हमें तो ऐसा कुछ नहीं होगा, सोसाइटी ऐसी है, हमारा मोहल्ला ऐसा है, हमारी गवर्नमेंट ऐसी है, फलाना ढिमका है। आज स्थिति यह है कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहां भी एक दो केस है, और इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, आज नहीं तो कल हमें होगा। सो कहने की बात है, फिर उसके बाद हमें लग रहा था कि ये बिजनेस, वो लॉकडाउन हो गया, बिजनेस बंद होने लगे, हमें लगा ये तो खाली एम्प्लॉयर्स की प्रॉब्लम है, ये तो फैक्ट्री वालों की प्रॉब्लम है, ये तो खाली एयरलाइंस की प्रॉब्लम है, ये तो उसकी प्रॉब्लम है जिसको जिसको ये कोरोना इन्फेक्शन हो जाएगा। मैं ये देखता हूं कि कोरोना इन्फेक्शन हुए बिना भी मैं इससे ग्रस्त हूं। एक सैंपल है, मेरे चारों तरफ मेरा परिवार इससे ग्रस्त है, कोरोना किसी को नहीं हुआ लेकिन हम सब ग्रस्त हैं। सो सिमिलरली द होल वर्ल्ड इज हैविंग दिस प्रॉब्लम, लेट अस नॉट गेट इन टू डिनायल मोड। प्रॉब्लम है हमारी और इसको डील करना है। रही बात इस पे इम्प्लॉयमेंट की, लेट अस इम्प्लॉयमेंट इज, व्हाट इज इम्प्लॉयमेंट? इम्प्लॉयमेंट इज समथिंग जहां पे एक किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को या तो बिजनेस में वैल्यू ऐड करने के लिए रखता है या अपनी सेवा के लिए रखता है, इसका इम्प्लॉयमेंट कुछ नहीं होता। तो अगर मैं किसी बिजनेस में वैल्यू ऐड करने के लिए रखा गया हूं, मतलब क्या है कि मैं कोई पैसे कमा के देता हूं, उसके बदले में मेरी एम्प्लॉयमेंट है। मैं बीच में एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बहुत अच्छी कहानी बताई, और उस हाँ कहानी से, भले ही वो मेटाफोरिक कहानी है, पर उससे ये समझ में आया कि किस तरह से जो लोग डिनायल मोड में है और सोच रहे हैं कि ये प्रॉब्लम उनकी नहीं है, असल में हाँ प्रॉब्लम तो उनकी भी है। और आपने हाँ सही कहा कि शुरू में मैं भी जब लोगों से बात कर रहा था तो एम्प्लॉयज को लग रहा था ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमारे बिजनेस ऑनर का प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, ये लोग हाँ बेचारे कैसे संभालेंगे। लेकिन हाँ अब धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हमारा भी प्रॉब्लम है, ये हमारा भी प्रॉब्लम। क्योंकि सब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी सर्वाइवल के मोड में है। अगर बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन चलेगा नहीं तो एम्प्लॉय का भी वो प्रॉब्लम है। बिल्कुल है। लेकिन अब इसमें एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ, जितने भी एचआर के पंडित लोग हैं या जो मैनेजमेंट के लोग हैं कंपनियों के, वो कहते हैं कि अरे एम्प्लॉयज तो हमारे सबसे बड़े असेट हैं, हाँ ऐसा बोला जाता है। ये हाँ आमतौर पर जितने भी एचआर फोरम होते हैं या कॉरपोरेट जितने भी सेमिनार्स होते हैं, उसमें सब में कहा जाता है कि एम्प्लॉय हमारे असेट हैं। लेकिन फिर ये समझ में नहीं आता कि अगर वो असेट हैं तो जैसे ही क्राइसिस आता है तो इस तरह से डाउनसाइजिंग क्यों किया जाता है? इस पर जरा आप प्रकाश डालेंगे क्या? ये देखो, ये जो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमें ये थोड़ा कई बार शर्मिंदगी भी होती है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी बातें करना बड़ी अच्छी बात है, ये भले समय की बातें हैं, इम्प्लॉय एसेट है नो डाउट, लेकिन उसमें एक फाइन प्रिंट रहता है हमेशा, ऑल यू नो इम्प्लॉय फर्स्ट और इम्प्लॉयज आर ऑल माई और आर माई एसेट्स टिल दे क्रिएट वैल्यू फॉर मी। अल्टीमेटली मेरे को कस्टमर जब पैसा देगा तो उसी पैसे में से मैं इम्प्लॉय को पैसा दूंगा, इसके पैसा कहीं से नहीं आता है। इसके अलावा जो पैसा आता है उसको उधार ही बोला जाता है, आई आई या तो मैं अपना पैसा लगाता हूँ या बैंक से पैसा लेता हूँ। कस्टमर जब पैसा नहीं दे रहा, अगर आप, मेरे पास कुछ आंकड़े भी हैं, मैंने वो अगर आप स्लाइड में दिखाएंगे, हाँ अभी दिखाना चाहते हैं? हाँ ओके तो अगर अगर आप देखेंगे कि जो जो तथ्य है, आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, हाँ बस यहीं पे, नहीं वापस, हाँ अभी आप देखिए, ये आप ही उसको चलाइए क्योंकि हम हाँ मैं दोनों। अब आप देखिए, सबसे पहले तो ये बड़े बड़े जो लाल शब्दों में एक रकम लिखी गई है उसकी चर्चा करते हैं, ये है 16 लाख करोड़, कितना होता है? ओके 16 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी हमने इंडिया इंडिया में पिछले 49 दिनों में खो दी है, पिछले 4 दिनों में? ओके पिछले 49 डेज, 49 दिनों में? ओके लास्ट 49 डेज 16 लाख करोड़ की जीडीपी चली गई। और आप वहां देखिए ऊपर, हर सेक्टर जो कि बड़ी इंप्लॉयमेंट देता है, वो सेक्टर कोई 50%, कोई 60%, कोई 25%, कोई मतलब
आप एविएशन का तो हाल छोड़ ही दीजिए, मतलब कितना डर है। सो कस्टम, इसका मतलब अगर हम कहें टेक्सटाइल 50% डाउन है, इसका मतलब कि हमारा जो जो भी इनकम के जरिए हैं वो 50% से कम हो गए। इनकम इतनी कम हो गई तो ऑब्वियसली मेरी अफोर्डेबिलिटी कम होगी, और अफोर्डेबिलिटी कम होगी तो मैं कितने दिन तक सेम खर्चों में सरवाइव करूंगा। अल्टीमेटली एम्प्लॉय इज सर्टनली एन एसेट, बिकॉज विदाउट ह्यूमन बीइंग्स, विदाउट पीपल, वी विल नॉट एबल टू डू एनी बिजनेस। लेकिन ऑल सेड एंड डन, जब बिजनेस नहीं हो रहा तब वो एकदम से एसेट से बदल के वो एक फिक्स्ड लायबिलिटी बन जाते हैं, राइट? सो जब वो फिक्स्ड लायबिलिटी बन जाते हैं, राजेश राजेश, एक मिनट, कुछ लोग बोल रहे हैं, तुम्हारी आवाज उनको नहीं आ रही। मैं तुमको बहुत अच्छी तरह सुन पा रहा हूँ। तो ये नेटवर्क का इशू रह सकता है मेरे यहाँ, तो एक्चुअली कई बार ये भी होता है कि जहाँ पे, अच्छा नहीं, पर कुछ लोग बोल रहे हैं वो अच्छी तरह सुन पा रहे हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू हाँ विक्रम जी, लोकेंद्र। आप अगर किसी ऐसे एरिया में चले जाएं जहाँ पे नेटवर्क आपका अच्छा आ रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग नहीं सुन पा रहे, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये ठीक, तो मैं ये कह रहा था कि जब हमारे पास, सो ये तय है कि लोगों को कम किया जाएगा और जा रहा है और आगे भी होगा। अगर मेरा बिजनेस जहां पे ये माइनस, ये सारी फिगर्स आप देख रहे हो ना, -40, 50, 60, 25, 30 जो भी है, जब तक ये वापस से नॉर्मल नहीं होता, लोगों को कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। और कॉस्ट में बहुत सारे सेक्टर्स में क्या होता है कि डायरेक्ट कॉस्ट इज द बिगेस्ट कॉस्ट। में है मैन्युफैक्चरिंग में जो इम्प्लॉय कॉस्ट होती है वो इतनी ज्यादा प्रोपोर्शन में नहीं होती जिस प्रोपोर्शन में रॉ मटेरियल की कॉस्ट होती है। लेकिन आप आईटी सेक्टर देख लीजिए, आप आपका ये देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स देख लीजिए, सेक्टर्स में जो कि हमारे बड़े, सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स हैं, वहां पे इम्प्लॉय कॉस्ट है वन ऑफ द हाईएस्ट, राइट? तो उसका पोर्शन ज्यादा रहता है, तो उसमें आपको कटौती करनी ही पड़ेगी। यू हैव टू रिड्यूस दैट कॉस्ट टू सर्वाइव, बिकॉज अगर हम, मतलब बोलते हैं ना कि जान है तो जहान है, मतलब बिजनेस रहेगा तभी तो एम्प्लॉय भी रहेंगे। बिजनेस ही नहीं रहा तो फिर इम्प्लॉय एसेट बोले, लाइबिलिटी बोले, क्या बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो तो देयर, ये एक मतलब हमें कई बार क्या होता है कि भले समय में हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो अच्छी बात है, इम्प्लॉयज आर ऑलवेज एन एसेट, बट एक फाइन प्रिंट्स भी हमें लोगों को बताना चाहिए पड़ेगा। भ्रांतियां दूर हो जाती है कि मैं अगर इम्प्लॉय हूं तो मेरे को खाली बिठा के पैसा कभी नहीं मिलेगा, देर आर नो फ्री लंचेस, मुझे वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, और इस समय में वैल्यू ऐड करना थोड़ा मुश्किल। सिर्फ फ्रंट लाइन रोल्स में ज्यादा वैल्यू क्रिएशन होती है, कुछ रोल्स में वैल्यू क्रिएशन नहीं होती, उस उन एरियाज में कटौती की जाती है। और ये फैक्ट है, ये हर बार जब भी रिसेशन आएगा, चाहे कोविड की वजह से चाहे किसी भी वजह से, ये कटौती होगी ही। राजेश, आपने जो आंकड़े दिखाए हैं, तो अगर ये एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल्स, ये यहाँ पर सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और अगर यहाँ के आंकड़े कह रहे हैं 50%, 60% तक बिजनेस नीचे चला गया है, तो ये आंकड़े बहुत डरावने आंकड़े। और दूसरी तरफ आपने बहुत सीधी और सरल भाषा में बोला कि कटौती करना पड़ती है, ना चाहते हुए भी करना पड़ती है। बिल्कुल तो मैं अब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आज एम्प्लॉयज के पक्ष में खड़ा हूँ, और हमारे जितने गेसू के दोस्त हैं और उज्जैन के जो दोस्त हैं, मैं उनके फायदे के लिए आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी कितना है कि जिस तरह के आंकड़े आप दिखा रहे हैं उसमें तय समझ लीजिए कि अगले 1-2 महीने में 30 से 40% जॉब भी जा सकते हैं, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन लेट अस प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट। तो एक एम्प्लॉय अपने आपके जॉब को कैसे सेव कर सकता है? अगर 100 में से समझिए 80 जॉब रहने वाले हैं, तो कैसे वो 80 में रह सकता है और 20 में ना रहे और 80 में आ जाए? इसके लिए वो क्या कर सकता है? इस बारे में कुछ टिप्स दो ना आप।
पुनीत जी, आपसे एक सवाल है, उससे पहले कि मैं जवाब दूं, आप इस प्रोग्राम में किसी ज्यादा समझदार आदमी को कब बुलाओगे? क्योंकि मैं भी उससे यह सवाल पूछना चाहता हूं। ओके सो कहने का मतलब ये है कि सर, ये तो अनलेस यू आर इन आर्मी, वहां पे अलग रिस्क है कि आज की डेट में चाहे आप सरकारी नौकरी में हो या आप प्राइवेट नौकरी में हो या सेमी गवर्नमेंट किसी भी नौकरी में हो, आज कोरोना की वजह से नौकरी जा रही है, लेकिन नौकरी जाने का खतरा एटलीस्ट मेरे 30 सालों में मेरे सिर पे हर रोज ही रहा। ओके आज आई डोंट रिमेम्बर इवन अ सिंगल डे दिस सोर्ड वॉज नॉट हैंगिंग ऑन माई हेड। वो हम लोग जैसे वो वीडियो गेम्स में होता है, इधर से बच के उधर से बच के, ये लिए गेम चलता रहता है क्योंकि आपको हर रोज रेलेवेंट रहना है। मुझे याद है कि मेरी पहली नौकरी, जब मेरी पहली नौकरी छूटी थी, माई जॉब बिफोर आई इवन ज्वाइंड इट, उस समय भी 1990 की बात है, 19 मुझे एयरफोर्स में ज्वाइन करना था। मैं उन प्री फाइनल ईयर में मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया, अपॉइंटमेंट लेटर था। मैं फाइनल ईयर में कैंपस इंटरव्यूज में भी नहीं बैठा। हम लोग वहां जाके वो सोचते थे कि कैंपस इंटरव्यू की प्रॉब्लम इनकी है, हमारी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज मेरे पास नौकरी हाथ में थी। पूरी मस्ती में सब बढ़िया फाइनल ईयर हमने गुजारा, हमारे हाथ में जॉब थी। लेकिन आप विधि की विडंबना देखिए कि मैं जब मुझे जिस दिन मुझे अभी भी याद है, 24 सितंबर 1990 को मुझे दिल्ली में अजमेरी गेट से ट्रेन पकड़नी थी, दिनों में मेरे पिताजी की नौकरी हिमाचल में एक मंडी में थी, गया किसी तरह से। लेकिन मंडल कमीशन का इतना प्रकोप था, वो पूरा कंट्री में राइट्स हो रहे थे, वो लॉकडाउन इस लॉकडाउन से ज्यादा भयंकर था। मुझे अपने शहर से दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं मिला, मेरी ट्रेन मिस हो गई। वो वहां पे रूल स्ट्रिक्ट थे कि आपको इतनी तारीख को पहुंचना है, पहुंचना है, अरे नहीं पाया, एंड आई लॉस्ट माई जॉब, बाबा। राइट। और 1990 अगर आप जानते हो तो 1990 एक रिसेशन का टाइम था। उस टाइम पे जो नौकरियां थी बाजार में बिल्कुल नहीं थी, प्राइवेट बिल्कुल मुझे पता है। थी नहीं, घर सरकारी नौकरी का तो आप भूल ही जाइए। तो उस टाइम पे फिर वो जो लोग, जब वो कैंपस, मैं याद करने लगा वो टाइम कि जब लोग कैंपस इंटरव्यू में तैयारी करते थे और हम उन पे हंसते थे, अब से अपना फाइल लेके नेहरू प्लेस में लाइन में लगने लगा नौकरी ढूंढने, क्योंकि मेरी नौकरी चली गई जो मुझे मिली थी, और जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। सो ये कहने का बात ये है कि ये हमें, आपका सवाल, आई कम बैक टू योर क्वेश्चन, कि अपनी नौकरी को कैसे बचाया जाए। आपको सबसे बड़ी बात ये है कि यू हैव टू स्टे रेलेवेंट इन योर बिजनेस। अगर आप जिस दिन आप ये समझ लोगे कि आप दिमाग में ये डाल लोगे कि मेरी नौकरी सेफ है, उस दिन से आपकी गर्दन कभी भी काटी जा सकती है। टू यूज दिस हार्श वर्ड, कहने का मतलब ये है कि आप कंफर्ट जोन में, एज लॉन्ग एज यू आर सर्विंग इन अ कंपनी, आप कृपया कंफर्ट जोन में कभी मत जाएं। क्या बात। ओके आप अलर्ट रहें, आप रेलेवेंट रहें, आप वैल्यू ऐड करें। एक मिनट, मैं जरा इसको लिख लेता हूं। अलर्ट रहे। आप करंट रहें, आप रेलेवेंट रहें। रेलेवेंट रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो एक और अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी, ये 2008 की बात है। तो बिल्कुल सही समय में मेरे साथ ऐसे हादसे हुए हैं। 2008 में वो जो बड़ा रिसेशन लेमन ब्रदर्स वाला जो आया था, रिसेशन से 3 महीने पहले मुझे पूना में सुजलॉन में एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने वो जॉब अपॉर्चुनिटी ले ली, हाँ इसे हम अपना पूरा घर बार उठा के
पूरा परिवार लेके पुणे आ गए और अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली, बड़े खुश पुणे में आ गए। सुजलॉन जैसी कंपनी, दैट टाइम सुजलॉन वाज डूइंग ग्रेट, 28,000 करोड़ का रेवेन्यू था साल का, रिन्यूएबल एनर्जी और व्हाट नॉट, सो इट वाज अ वेरी वेरी प्लम जॉब। एज द लक वुड हैड इट, विद इन 3-4 months दिस लेवन ब्रदर हैपेंड एंड सडनली ऑल द जो हमारे सीईओ थे, जिन्होंने उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट खोला था, विदेशी सीईओ थे, उन्होंने नया डिपार्टमेंट खोला था, उस नए डिपार्टमेंट में हमें रखा था डिस्पाइट द ओपोजिशन फ्रॉम द प्रमोटर्स। सीईओ ने बोला नहीं नहीं मैं ये डिपार्टमेंट खोलूंगा, प्रमोटर्स बोलते ये डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने जिद करके डिपार्टमेंट खोल लिया। मेरे ज्वाइन करने के 3 महीने बाद वो छोड़ के चले गए। आई लैंडेड इन टू सिचुएशन, मैंने अपनी अच्छी खासी नौकरी दिल्ली की छोड़ी थी और सुजलॉन में एक मैं नई जगह पे आ गया, पुणे में आ गया और जगह ऐसे डिपार्टमेंट में था जिस डिपार्टमेंट की प्रमोटर के हिसाब से जरूरत नहीं है। सो कंपनी का मालिक बोलता है कि इन लोगों की जरूरत नहीं है, अभी आप सोचिए कितना इनसिक्योर सिक्योर एनवायरमेंट होगा। सो बिकॉज ऑफ दी आई मीन इट्स अगेन यू बी अलर्ट, हमने थोड़े दिन तक ये सब चीजें सही समझा, हमें लगा कि आज किसी भी दिन हम निकाल दिए जाएंगे, मुझे लगा कि दिस इज द टाइम टू एटलीस्ट ट्राई तो करते हैं। हमने ट्राई किया, कुछ मैंने अपने जो भी नेटवर्क कंपनी के अंदर कुछ एचआर में कुछ इधर उधर सबसे बात करके के ढूंढा मैंने कहाँ पे जहाँ पे वैल्यू एडिशन जॉब हो सकती है, जहाँ पे मैं रेलेवेंट हो सकता हूँ, क्या मैं उस डिपार्टमेंट में मूव कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। ऐसा करके भगवान ने साथ दिया, मैं ऐसे डिपार्टमेंट में मूव कर गया जो डे जॉब जहां पे थी और जो कि रेलेवेंट था एज पर दी प्रमोटर्स, एंड वो नौकरी मेरी वैसे बच गई। फिर उसके बाद में हर बार, मतलब आई कैन किसी भी नौकरी की, अनलेस यू नो देर आर सम लकी पीपल, आई आई वन ऑफ माय फ्रेंड हु वर्क्स विद बलारपुर इंडस्ट्रीज, बोलते हैं अखिलेश चतुर्वेदी, हमारे प्रिय मित्र, हम सब रूममेट थे, सिंह जम्वाल, ये दो ऐसे वाहिद लोग हैं जिन्होंने एक नौकरी ज्वाइन कर आज तक उसी नौकरी में है, लेकिन ऐसे लोग कम है, बिल्कुल है ना। तो और वो बिल्कुल सेट है, फिट है, कोई थ्रेट नहीं, शांति से अपनी नौकरी बजा रहे हैं, मजे कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरक्की भी की है। ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता। इसलिए ये नौकरी अभी तो कोरोना से जा रही है, लेकिन अगर आप रेलेवेंट नहीं है, अगर आप बिजनेस में वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं, आप कंफर्ट जोन में चले गए, कॉम्प्लासेंट हो गए, तो फिर नौकरी अगर बची है तो वो सौभाग्य से बची है, आपकी मेहनत से नहीं बची। ग्रेट राजेश, तुमने अपनी जिंदगी के जो अनुभव सुना है ये बहुत काम के हैं। इससे कहीं ना कहीं एक पर्सपेक्टिव हमको मिल रहा है कि जॉब मेरा सेफ हो ये सोचना ही गड़बड़ है, ये सोचना ही गड़बड़। हमें हर दिन तैयार रहना चाहिए कि हमें रिलेवेंट बने रहना है। और एक सीनियर सीनियर एचआर पर्सन की तरह उस पर्सपेक्टिव से जब तुम ये बोल रहे हो, मेरे ख्याल से इसमें उन तमाम लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं नौकरियां कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जो जॉब मार्केट में आने वाले हैं, उनके लिए बहुत बड़ा संदेश है। और एक मैं आपको बताना चाहूंगा, ये रेलेवेंट चीज है, तो इसलिए मैंने जीरोक्स इंडिया में 12 साल काम किया। ओके तो मैं इट वाज आई थिंक 10th ईयर ऑफ माय सर्विस इन दैट कंपनी। अमेरिका से एक बड़े अफसर आए, हम लोग चंडीगढ़ में थे, बड़े और रात को एक पार्टी दी गई। पार्टी में हम लोग सब मस्ती कर रहे थे, तो वो जो सीनियर अफसर थे आए थे, वो हमारे पास आए, पूछे आप कब से हो इस कंपनी में। हमने बड़े प्राउडली बोला 10 साल से हूँ। तो उसने पूछा कि आपने कहीं और ट्राई किया, तो मैं हंस के बोला, मैंने कहा सर मैंने तो सीवी भी नहीं बनाया। सो आई वॉज ट्राइंग टू इम्प्रेस हिम सेइंग कि मैं तो इतना, मतलब आई डोंट सी एनी अदर थिंग आउटसाइड जेरोक्स। तो उसने बोला तुम गधे हो। He says के अगर आप यू आर एन एम्प्लॉय, आप यू ओनली सेल योर स्किल्स, तो ये स्किल्स जिस दिन इस कंपनी को जरूरत नहीं रहेगी उस आप उसके लिए रेलेवेंट नहीं है। आप अच्छे हैं या बुरे हैं फर्क नहीं पड़ता,
जिस दिन आपकी स्किल्स इस कंपनी के लिए रेलेवेंट नहीं होगी, वो आप इस कंपनी में नहीं रहोगे, चाहे किसी से आप से विदाई ली जाए, लेकिन आप कंपनी में नहीं रहोगे। तो आपको अपना हिसाब खुद सोचना है, अपने बारे में खुद सोचना है। बिल्कुल बिल्कुल वो चीज मुझे अभी तक याद है, और उसके बाद मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि मैं जॉब मार्केट में नहीं हूं। अच्छा, तो भले ही तुम एक कंपनी में सालों काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा सीवी रेडी है और तुम जॉब मार्केट में कहीं ना कहीं हो। मतलब मतलब मैं अपॉर्चुनिटीज को, आई मे नॉट बी सीकिंग एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एक्टिवली, बट ओके, क्या आई एम नॉट क्लोज फॉर इट। बात है, ये बहुत ही काम की बात है, बहुत ही काम की बात ईमानदारी की बात है, और उसी में मैं बताऊंगा कि मैं कभी भी अपॉर्चुनिटीज के लिए क्लोज नहीं हूं। है। आई मे नॉट लाइक इट, आई मे नॉट टेक इट, बट आई विल ऑलवेज इवेल्युएट इट, क्योंकि मैं तो अपनी स्किल ही बेच रहा हूं ना, मेरे पास और तो कुछ नहीं है। बहुत सही बोला तुमने। पर यहाँ मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि हमने बात डाउन साइजिंग से शुरू की थी और कोरोना के इस दौर में कुछ लोगों को सफर भी करना पड़ेगा, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ कि एक पक्ष आपने रखा कि भाई ये तो जरूरी हो जाता है, क्या करें, और अगर इंसान रिलेवेंट नहीं रहा या शायद वो फ्रंट लाइन में है और डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी से और आउटपुट से जुड़ा हुआ नहीं, तो शायद कुछ लोगों के जॉब जा भी सकते हैं। सकते तो हैं। यहाँ पे मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि ऐसे में शायद हमको यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ क्यों हुआ और मेरी कोई वर्थ नहीं है। आई थिंक ये मैनेजमेंट भी, इमोशनल मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। और फिर हम जहां पे भी जाए, हम जो भी करें उसके अंदर अपनी वर्थ को प्रूव करें। करेक्ट। ओके अरे ये बिल्कुल बिल्कुल पर बिल्कुल एक चीज और बताओ, एक चीज और बताओ कि तुमने अपनी जो कहानियां बताई, पहले जब तुम मंडी में थे और तुम्हारा जॉब इंटरव्यू छूट गया 1990 में, या उसके बाद जब स्विट्जरलैंड में आए और तुम्हारे सीईओ तो चाहते नहीं थे कि ये रहे डिपार्टमेंट, और तुम वहां थे पुराना जॉब छोड़कर, एक चीज बताओ कि देखो जब हम पीछे पलट कर देखते हैं तो सब कुछ बड़ा सामान्य लगने लगता है, कभी कभी हम उस पर हंसते भी हैं, लेकिन उस दौर से जब गुजर रहे हैं और उस दौर से जब हमारे बहुत साथी शायद अगर गुजरना पड़े, तो वो जो फियर है, वो जो एंजाइटी है, उसको कैसे मैनेज करें? देखिए, फियर को जिसने काबू कर लिया वो तो संत हो गए। शायद महात्मा बुद्ध और गुरु नानक देव और में भी भगवान कृष्ण, यही लोग ने फियर पे काबू किया। फियर नहीं होना एक आश्चर्य है, फियर होना बहुत नॉर्मल है। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि हमारे भाइयों को, अगर जिसको फियर होता है वो खुश शुक्र मनाए कि वो नॉर्मल है। नॉर्मल है। हाँ, सो फियर होना एक एक नॉर्मल सी चीज है, लेकिन उस फियर को आप कितना लंबा खींच रहे हो, प्रॉब्लम वहां पे है। सो दैट इज अ नेचुरल बॉडीज रिएक्शन, हमारी केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर जो होता है दैट इज कॉल्ड फियर। उसमें एक हमें फियर होता है बिकॉज अनसर्टेनिटी दिखती है, फियर होता है, सबको होता है, हमें भी होता है, ऑब्वियसली सबको होता है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, ये भी हमने थोड़े समय में सीखा कि फियर को आप कितना लंबा फियर 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 करके चलते हो। अगर मैं उस फियर्स को, हर एक फियर में एक अपॉर्चुनिटी होती है। अब ये सुनने में बड़ी बात लगती है, एक मतलब मैनेजमेंट जार्गन लगता है, लेकिन वो मैं आपको एक और इसके बारे में कहानी सुनाता कि हर एक चीज में क्या है कि उसमें आगे क्या होने वाला है वो कुछ भी हो सकता है। हम बहुत सारी 5 साल की प्लानिंग करते हैं, मैनेजमेंट में आके हम बड़े प्लान बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, पर हमें हमें पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है, कोरोना किसी को पता नहीं था। पता नहीं था। तो एक बार क्या हुआ कि एक आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने सुनी भी होगी कहानी, लेकिन इस समय में रेलेवेंट है इसलिए बोल रहा हूँ। वैसे एक फार्मर थे और उनके पास में, गांव में रहते थे, और उनके पास में एक बहुत बढ़िया अरबी घोड़ा था। वो घोड़ा उनके पूरे परिवार की शान थी। जब भी वो घोड़ा लेके निकलते थे बाहर तो सब लोग एडमायर करते थे। ऐसा घोड़ा कहीं नहीं था उनके पास में, तो किसी भी और के पास में नहीं था।
एक दिन क्या हुआ कि वो घोड़ा भाग गया, तो सारे पड़ोसी आके उनपे अफसोस करने लगे कि अरे आपकी बहुत किस्मत खराब हो गई, इतना बढ़िया घोड़ा था, भाग गया, अभी अभी तो आपको मिलेगा भी नहीं, लाख घोड़ा था, ये था वो था, मातम हो गया। वो 2-3 दिन उन्होंने मातम बनाया, लेकिन उसके बाद क्या होगा, अचानक देखा कि सुबह सुबह घोड़ा और वापस आ रहा है, और उसके साथ में 3 और जंगली घोड़े हैं, और वो जंगली घोड़े भी मतलब उसकी कद काठी के जैसे। तो यू नो वो लोगों ने देखा क्या हो रहा है, और जाहिर सी बात है कि वो जो जिसका घोड़ा खोया था वो घोड़ा बाकी के 3 लेके आए, तो वो चारों के चारों उसके हो गए, तो उसकी तो हो गई। एक दिन उसके यहाँ मातम बन रहा था, अगले दिन उसके 1 के 4 घोड़े हो गए। उन्होंने वो दूसरे घोड़ों को भी नहलाया धुलाया, उनकी मालिश वालिश चालू कर दी, उनको सिखाना करना चालू कर दिया कि 4 घोड़े हो गए अब। तो व्हाइल दे वर डूइंग दैट, तो एक किसान का एक लौता बेटा था, उसको उस पर सवारी, किसी जंगली घोड़े को टेम करने के चक्कर में उस पर सवारी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या हुआ कि उस घोड़े, क्योंकि वो जंगली था अभी तक वो हुआ नहीं था, तो वो एक्सीडेंट हुआ, घोड़े ने क्या छलांग मारी, क्या मारी, वो नीचे गिरा, घोड़ा उसके ऊपर चढ़ा और वो उसकी टांग, दोनों टांगे चकना की, मतलब बहुत भयंकर घायल हो गया। फिर से पड़ोसी आए, जैसा कि आमतौर पर होता है, अरे दुर्भाग्य की बात है, कैसा समय आ गया, एक इकलौता बेटा है, उसकी टांग टूट गई, ये घोड़े तो आपके लिए ये लाए वो लाए, ऐसा करके हो गया उसका चालू। तो जो किसान था वही बोलता, चलो ठीक है देखते हैं क्या होता है, हमें क्या पता क्या, और वो उसका प्लास्टर वास्टर लगा और उसको सुला दिया गया, उसकी तामीरदारी शुरू हो गई। तो अगले दिन क्या हुआ, थोड़े दिनों के बाद में, अगले दिन नहीं थोड़े दिनों के बाद में, जिस भी वो कंट्री में रहते थे, उस कंट्री के राजा ने दूसरी कंट्री के साथ में युद्ध छिड़ गया, और दूसरा जो एनिमी था वो बहुत स्ट्रांग था। उस राजा ने क्या किया कि उसकी अपनी आर्मी को बड़ा करने के लिए उसने वो आदेश दे दिया कि जितने भी 19 साल से ऊपर के नौजवान हैं या 18 साल के ऊपर के नौजवान हैं पूरी कंट्री में, सबको फौज में भर्ती होना पड़ेगा। और फौज में भर्ती होना तक तो ठीक है, लेकिन क्योंकि सामने वाला दुश्मन इतना शक्तिशाली था कि मौत निश्चित थी, उनका तो पलटने वाली थी, लेकिन इन दी बार्गेन सब 19 साल के ऊपर वाले लोग मरने वाले थे या क्या वाले थे। तो आर्मी उनके भी गांव में आई और उन्होंने लोगों को लेना शुरू किया, जितने यंग थे, किसान का इकलौता लड़का भी यंग था, लेकिन उसकी टांग टूटी हुई थी, तो उसको फौज में ले जाके कोई मतलब नहीं था, तो वो बच गया और बाकी सारे लोगों को आर्मी में ले गए, और वो जो भी उनके साथ हुआ होगा, वीरगति को प्राप्त हुए या जो भी कुछ हुआ उनके साथ। ये आप ये देखिए सीक्वेंस, मतलब हमें किसी को पता नहीं है कि ये अभी जैसे ये मेरी नौकरी गई, या मेरा मेरे को कोरोना हुआ, या मेरे साथ कोई भी आज अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, तो क्या ये प्रॉब्लम की वजह से कुछ अच्छा मुझे मिलने वाला है, ये इसकी गारंटी तो नहीं है, लेकिन पता नहीं है। तो इसलिए अगर मैं फियर को लंबा लेके चलूं तो प्रॉब्लम है। आप उसको थोड़े से डिस्टेंस से देखिए, आपको डर लगेगा, एंग्जाइटी होगी, लेकिन उसके ऊपर एक्शन लीजिए। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो फिर आपकी मौत निश्चित है। जैसे जब मैंने पहली नौकरी चली गई, उसके बाद में मुझे डर लगा, मैं 3 दिन मैंने अफसोस भी किया, रोया भी, लेकिन उसके बाद मुझे समझ आई कि अब और कोई चारा नहीं है। अपना CV मैंने बनाया, मैंने वो प्रिंट कराया, उन दिनों में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पे जाके हम लोग DTP शॉप पे प्रिंट कराते थे, 10 प्रिंट कराए, फोटोकॉपी कराई, फाइल बनाई, और अपने भाई के यहाँ फरीदाबाद चला गया, जैसे ही बस चलनी चालू हुई। और उसके बाद में 2 हफ्ते लगातार रोज नेहरू प्लेस जाके सी। तो कर्मठ आदमी को बनना पड़ेगा फियर से डील करने के लिए। सो यू विल हैव प्रॉब्लम्स। तो मैं तुम्हारी जो बात से ये समझ रहा हूँ कि फियर तो होगा, ये तय है, लेकिन फियर को बहुत लंबा मत खींचने दो, उसको हाँ। कंफ्रंट करो, उसको देखो वो क्या है, एंड देन टेक सम एक्शन। तो हाँ सम एक्शन, एनी एक्शन, हाँ कुछ तो एक्शन अगर आप लेंगे तो हाँ शायद आपका फियर भी आधा हो जाएगा और हाँ आपको एक रास्ता मिल जाएगा। तो हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, कर्मठ आदमी के लिए कि जिंदगी में फियर का कोई बहुत ज्यादा जगह नहीं है, क्योंकि आप जब काम होगा ही। और ये फियर अगर नहीं हो तो कई बार क्या होता है ना कि सर ये भी एक भगवान ने हमें ये इंद्री जो दी है ना फियर की, पेन जिस जैसे होता है ना, पेन
अब वो मैं एक बार सुना, हमने जो हमारे सद्गुरु हैं, सद्गुरु वासुदेव, वो कहते हैं कि अगर पेन नहीं हो आपकी बॉडी में, यू नो, पेन तो हम लोग मानते हैं कि ये साली गंदी चीज है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर पेन जैसी चीज हमारे, या पेन जैसी जो फीलिंग है ये हमारे में नहीं हो, तो हमने कब की अपनी उंगलियां काट दी होती, पैर काट दिए होते उनको, यू नो, शेप देने के चक्कर में। जब होती है तो बॉडी ये बताती है कि ये तुम्हारी लिमिट है, सो देयरफॉर फियर इज एज गुड एज पेन। फियर का मतलब अलार्म है कि एक्शन लो। ओके बिल्कुल, फियर एक अलार्म है कि एक्शन हाँ लो। क्या बात है, हाँ ये तो बहुत पते की बात तुमने कही राजेश। एक सवाल उठ के खड़ा हो रहा है जो हमारे चैट में आ रहा है, जो मैं तुमसे पूछना जरूर चाहूंगा। कहानी तुमने सुनाई, एक घोड़ा जंगल में भाग गया, हाँ लेकिन चारुपा हमारे मित्र हैं जो पूछ रहे हैं कि ये जॉब मार्केट, ये भी एक तरह का जंगल है, हाँ और यहाँ पे रोज कुछ ना कुछ चीजें बदल रही हैं, और जिस तेजी से चीजें बदल रही हैं, उनका हाँ कहना है कि हम तो मेहनत करते हैं, है ना, लेकिन जिस तरह से सब कुछ बदलता है तेजी से, उसमें रिलेवेंट कैसे बने रहे, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालोगे क्या? हाँ सो ये देखिए, ये मिलियन डॉलर डॉलर क्वेश्चन है। ये इसका कोई थंब रूल नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ, लेट्स डिस्कस दिस, एक्चुअली इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन, इसके ओके, कोई नहीं पाया अभी तक। सो ये इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन। दोस्तों राजेश कह रहे हैं दिस इज अ मैटर ऑफ डिस्कशन, तो आप सब लोग जो चैट चैट में चाहें तो अपने अपने जो कमेंट्स हैं, अपने जो आइडियाज हैं, वो जरूर लिखें, ताकि हम मिलकर कुछ इसको एक जगह ले जा सके। हाँ राजेश, जैसे मैं एक आपको बताता हूं कि कई बार ऐसी स्थिति आती है कि स्पेशली फॉर पीपल लाइक मी हु आर इन सपोर्ट फंक्शंस, हाँ राइट? तो सपोर्ट फंक्शन में, बिलीव यू मी, रेलेवेंट बने रहना मुश्किल है। अगर मैं, जब तक मैं एक एक इंजीनियर वाला काम करता था, मैं अपनी रोटी खुद कमाता था। मैं सर्विस इंजीनियर था, मैं सेल्स इंजीनियर था, मैं रीजनल ऑपरेशंस देखता था, तो मुझे पता था मैं 60 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ जो भी है, इतना रुपया कंपनी को लाके देता हूँ, इसमें मेरा इतना मार्जिन है, प्रॉफिट है, वगैरह वगैरह। मेरे को नौकरी बचाने की रोज जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन फिर भी पड़ती थी, क्योंकि गलती हो गई या मैं किसी से पीछे रह गया, ये सारी चीजें होती थी। लेकिन सपोर्ट फंक्शन में एंजाइटी ज्यादा होती है और चीजें बदलती भी बहुत है। अब जैसे कि मेरी स्थित परिस्थिति ये है कि मैं सपोर्ट फंक्शन में हूं, परिस्थिति ये है कि मुझे क्या, मैं बिजनेस में वैल्यू ऐड कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा। सो मेरे को, मेरी सोच एचआर वाली कम लेकिन बिजनेस वाली ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन मेरे सोल्यूशन एचआर के होने चाहिए। ओके सो रेलिवेंट कैसे बनता हूं कि व्हेन आई थिंक लाइक माय सीईओ एंड गिव अ एचआर सोल्यूशन, कि भाई अगर आपको अपना टर्नओवर बढ़ाना है तो मैं एक ऐसा लेके आऊंगा जो कि, जिसकी मार्केट में ऐसी रीच है, वैसी रीच है। सो मेरे को हर रोज रेलेवेंट होने के नया तरीका ढूंढना पड़ता है। ओके, तो मुझे क्या समझ में, तुमने बहुत ही काम की बात बोली, दो काम की बात बोली। एक तो ये बोली कि थिंक लाइक ए सीईओ, कि मेरे सीईओ को क्या चाहिए, वो एक आगे ना जाके तो कहाँ ले जाना चाहते हैं, नंबर वन। तो अगर रिलेवेंट बना रहना है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये सीईओ जो है, या हमारी कंपनी की जो थीम है या जो डायरेक्शन है, वो क्या है, नंबर वन। हाँ। और उसका जवाब मैं अपने जॉब के थ्रू कैसे दे सकता हूँ, हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट टू दैट पर्टिकुलर थीम। करेक्ट। तो देखा जाए तो इसके दो हिस्से हैं जो मुझे समझ में आते हैं। पहली बात तो कहीं ना कहीं कंपनी को कम्युनिकेशन में बहुत क्लियर करना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं और जाना कहाँ चाहते हैं, हाँ जो कि कई बार मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइजेशंस नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत क्लियरिटी नहीं होती है, या क्लियरिटी होती है तो बोर्ड रूम में होती है, ट्रेंचेस ऑन द शॉप फ्लोर वो नहीं होती, नंबर वन।
तो अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो मेरे ख्याल से एक जो एम्प्लॉय है उसको सवाल पूछना चाहिए, बॉसेस से बात करना चाहिए, अपने एचआर मैनेजर से बात करना चाहिए, या अगर कंपनी में कोई फोरम है जहाँ पे बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है उसकी चर्चा हो रही है, या न्यूज लेटर में चर्चा हो रही है, या सीईओ लोग इंटरव्यू देते रहते हैं, कहीं ना कहीं से उसको समझना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एक्चुअली पुनीत सर क्या है कि ये, हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी मेरा मानना यह है कि कोई भी अगर बिजनेस चला रहा है कोई इंसान, अवर टर्म वी कॉल देम प्रमोटर्स और द ओनर्स ऑफ द कंपनी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई वर्क इन मल्टीनेशनल्स आल्सो, बट आई एम मोर टॉकिंग अबाउट द इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज। इन कंपनीज में ऐसा कतई नहीं है कि क्लैरिटी नहीं है करना क्या चाहते हैं, प्रमोटर के दिमाग में इतनी क्लैरिटी होती है कि दुनिया में कहीं और क्लैरिटी नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो हम जैसे प्रोफेशनल्स प्रमोटर्स और जो ग्राउंड लेवल एम्प्लॉयज के बीच में जब हम आ जाते हैं, हम दो तरह से एक्ट कर सकते हैं। वन, वी कैन बिकम एन आइसोलेटर, राइट, और हम ना खुद क्लैरिटी लेते हैं ना नीचे देते हैं, और उस चक्कर में कंपनी का बहुत नुकसान कर जाते हैं। दूसरा तरीका है कि हम एक अच्छे कंडक्टर बने, क्लैरिटी ले और दे। तो अगर हमने क्लैरिटी ली और दे दी तो आपने बड़ी वैल्यू ऐड कर दी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि क्लियर दिमाग में क्लियर है, वो आदमी पूरा दिमाग अपना काम में लगाता है, ना इधर उधर नहीं लगाता। और तीसरा तरीका है सेमीकंडक्टर बने। सेमीकंडक्टर बनना वो एक है। सेमीकंडक्टर कैसे बने, क्योंकि क्या है कि बहुत ज्यादा सूर्य के नजदीक ना, जैसे गर्मी होती है आप जल जाते हो, ठीक है, तो एनीबॉडी हु इज क्लोजर टू दोज पीपल हु आर हैविंग सो मच ऑफ यू नो, उनको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है। एक बड़ा बहुत बड़ा बिजनेस आप चलाओ, अगर मैं तो देखता हूँ कि मेरा कुछ 2-4 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है इक्विटी में, शेयर मार्केट में, और उसको मैं मैनेज नहीं कर पाता हूँ, मैंने उसका इतना बुरा हाल कर रखा है, विच क्लियरली शोज दैट माई फाइनेंशियल स्किल्स आर प्रीटी बैड, राइट। वो लोग तो कई 1000 करोड़ का पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं, तो वो उनके दिमाग में काफी ज्यादा टेंशन रहती है। मैं तुमसे बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मैं कई सीईओस को स्पेशली एसएमई बिजनेस में मेंटोर करता हूँ, 1-to-1 बात करता हूँ, और वो अपना दिल खोल के मेरे सामने रखते हैं, क्योंकि वो एम्प्लॉयज के सामने नहीं रख सकते, परिवार के सामने नहीं रख सकते, और मुझे पता है कि उनके अंदर क्या तूफान चलते हैं, एक तूफान नहीं, बहुत सारे तूफान एक साथ चलते हैं। हम क्या करते हैं, हम खाली वो देखते हैं कि उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, लेकिन आपको उनकी उनके शूज में बैठ के सोचना पड़ेगा। द डे यू स्टार्ट डूइंग इट यू विल रियलाइज कि उनकी एंग्जाइटी क्या है, और क्योंकि सब लोग तुम्हारे साथ हैं, आपको वो पावर मिली है, अथॉरिटी मिली है, यू कैन एक्चुअली बिकम सो रेलिवेंट एट एवरी सेकेंड इन योर जॉब। पर आप कुछ सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे कि सेमीकंडक्टर क्या है कि आपने मेरे को आज बॉस ने डांटा झाड़ा, मतलब क्लास लगाई, और मैं आता हूं और मैं एक सुपर कंडक्टर हूं, मैंने सेम रिपीट कर दिया अपने लोगों के साथ में नीचे आके, ठीक है, ये हो गया कंडक्टर। तो क्लैरिटी मुझे मिली वहां पे और मैंने क्लैरिटी वापस दे दी, ये अच्छा काम मैंने कंडक्टर वाला किया, लेकिन जैसे ही मैंने हीट को ट्रांसफर कर दिया वो मैंने बुरा काम कंडक्टर वाला किया। सो आई नीड टू बी अ सेमी कंडक्टर, मुझे ट्रिगर देखना पड़ेगा कब मुझे कंडक्ट करना है, कब इंसुलेट करना है, वेरी गुड, दोनों तरफ। सो ये अगर मैं, अगर आप एक मतलब मैं, क्योंकि सब लोग ज्यादातर इंजीनियर्स यहां पे होंगे, मैं इलेक्ट्रॉनिक की भाषा में समझाता हूं कि ना कंडक्टर बनो ना इंसुलेटर बनो, आप सेमी कंडक्टर बनो। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। आपको ये ट्रिगर पता होना चाहिए, ट्रिगर आपके दिमाग में आपके हाथ में होना चाहिए, क्या चीज को आपको ट्रांसफर करना है बोथ फेज, किस चीज को नहीं करना है, और एक्ट, यू हैव टू एक्ट टू गिव सॉल्यूशन रेदर देन बीइंग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सो मैं यहाँ पर थोड़ा सा टोकना चाहता हूँ कि ये तुम बात कर रहे हो ना, ये जो आदमी सीईओ के करीब है या हायर मैनेजमेंट के करीब है, या फिर भी ये कहीं मिडिल मैनेजमेंट में या थोड़ा हायर मैनेजमेंट में,
पर जो बंदा एम्प्लॉई है जो खुद कंडक्टर सेमीकंडक्टर नहीं बन सकता उसको क्या करना चाहिए, ये सवाल है। सो इसके आई विल गिव आंसर इन टू सेंटेंसेस। एक तो पहली बात ये कि सेमीकंडक्टर बनने की अपॉर्चुनिटी सबके पास है, इट इज जस्ट इन द माइंड। मुझे ऐसा लग, ओके मैं नहीं बन सकता। मेरे को एक हमारे एक वर्ल्ड बैंक के काफी सीनियर अफसर थे, मैं एक कंपनी में था श्रेय फाइनेंस करके, उसमें एनबीएफसी में, उसमें साउथ सिद्दीक करके, वो बांग्लादेश के रहने वाले थे। ही वॉज फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड ऑल, वो हमारे सीईओ भी थे वहां, जेएमडी थे। तो उन्होंने मेरे को एक बार बोला कि राजेश, मेरे को एक बार एक नौकरी दे दी गई, मतलब मैं मेरे को उस नौकरी में कुछ करने को था नहीं, ऐसा लग रहा था कि उसका कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है उस जॉब का। लेकिन उसने ऐसा बोला कि मैंने अपने आप को ये समझ लिया कि मैं तो सीईओ हूं। आई स्टार्टेड, ही सेड, आई एम गुड एट एक्टिंग, आई स्टार्ट एक्टिंग एज इफ आई एम अ सीईओ। ठीक है, वो एक्टिंग के चक्कर में जब मैं, मेरा सोच बदल गई, मैं कैरेक्टर में घुस गया, मेरी सोच बदल गई। जब मेरी सोच बदल गई तो मैं जब जो भी काम करता था एक ऐसे अंदाज में होता था जैसे सीईओ करता है। तो वो एक्टिंग धीरे धीरे, वो मतलब लोगों को समझ आया कि यार ये तो बिल्कुल अलग किस्म का आदमी है। सो आई एक्चुअली गॉट इन टू अ वेरी गुड पोजिशन, बिल्कुल राइट। सेम चीज मैंने कहीं और भी, मेरे एक और बॉस ने बोला कि अगर तुम्हें, आपको, आपने बेड़ियां खुद ही बनाई हुई है ना, कि मैं सोचता हूँ अरे यार मैं तो रेलिवेंट नहीं हूं, या मैं तो इस लेवल पे हूं, मैं थोड़ा ही कर सकता हूँ। इवन थिंकिंग के नहीं, तुम बॉस हो, आप काम कहीं भी हो भी जाता है। भाई देखो, हर एक चीज में देर इज अ प्रोबेबिलिटी। ये जरूरी नहीं है कल को आप ये समझ के अपने बॉस को जाके बोल दो कि मैं सीईओ हूं, तो वो उल्टा भी पड़ सकता है। लेकिन एक सोच है, आप कभी भी ट्राई करें। मैंने मैंने कई बार ट्राई किया है, उसके परिणाम अच्छे ही आए। हर बार नहीं चलता, कई बार फेल भी होते हैं उसमें, बिकॉज यू नो पीपल टेक ऑफेंस कि यार ये आपको क्या समझता है वगैरह वगैरह। लेकिन 100 में से 60 बार, 70 बार चीजें अच्छी हो जाती हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से सीईओ होने का मतलब यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कि हाँ सीईओ तो ही कांट पास द बक टू एनीबडी एल्स, हाँ आखिरी में अकाउंटेबिलिटी उसी की होती है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी अच्छा है बुरा हो रहा है। हाँ तो मुझे लगता है जो तुम बोल रहे हो, जो साहब ने बोला था, उसका मतलब ये है कि यू स्टार्ट फीलिंग लाइक कि आई एम नॉट लुकिंग अप टू अदर पीपल कि सर हाँ क्या करूं मैं, अब आगे हाँ आपका क्या ऑर्डर है, रादर देन हाँ थिंकिंग ऑन योर ओन फीट एंड बीइंग अकाउंटेबल फॉर व्हाट यू डू। करेक्ट आई थिंक उससे बहुत बड़ा चेंज लोगों, दूसरे लोगों के बिहेवियर में भी आएगा जब वो आपको इस तरह से काम करते हुए देखेंगे। एक्चुअली दूसरों की तो छोड़ ही दो, मेरा फियर, मेरा खुद का एंग्जाइटी, मेरा खुद का उदासी, सब कुछ थोड़ा खरा बेटर हो जाता बहुत अच्छा है, सेल्फिश। राजेश, बहुत खूब राजेश, तुमसे बात करके इतना मजा आ रहा है और इतनी सारी नई नई चीजें मिल रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये कोविड का बहुत बहुत शुक्रिया, ये सब लॉकडाउन का शुक्रिया कि हमने ये गेसु संवाद भी शुरू किया, वरना हम कहाँ इतनी बातें कर पाते। हालांकि सही तुम और मैं आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं इतने सालों बाद भी। मुझे बात। आज भी याद है हमने गेसु में नाटक किया था, वो मिल नाटक मिलकर ही आज काम आ रहे हैं का नाटक काम आ रहा, बहुत अच्छी बात। आज का सर। अभिमन्यु मुझे आज तक याद है, और पर वहां से लेके आज तक हम कहीं ना कहीं साथ हैं, पर जी इतनी गहराई से इतनी सारी बातें कभी नहीं कर पाए। और मुझे लगता है कि जो भी तुम बता रहे हो उसका बहुत फायदा हमारे सब साथियों को मिलेगा जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जो ये लाइव प्रोग्राम देखेंगे। एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, मैं अभी थोड़ा लालची हो रहा हूँ, ठीक है। जी मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि जो नए बच्चे हैं जो हाँ अब जॉब मार्केट में आ रहे हैं, हालांकि तुम्हारी कहानी सुनी हमने कि कैसे तुमको भी जॉब, तुम्हारे हाथ से जॉब चला गया था, पर वो क्या उनको कुछ नई स्किल डेवलप करना चाहिए, उनका क्या एटीट्यूड होना चाहिए ताकि जब वो जॉब मार्केट में जाएं तो हमारे गेसु के लोग, उज्जैन के लोग, कहीं ना कहीं उनको कुछ एडवांटेज मिले। तुम्हारी क्या टिप्स हैं उसके बारे में?
ये देखो, ऑल सेड एंड डन, मतलब मैं कहीं से भी इस प्रॉब्लम को अंडरमाइन नहीं कर रहा। एक साल ज्यादा पुरानी बात नहीं, एक साल पहले मतलब के कंपनियां मैं जिनको जानता हूं वो आती थी कैंपस में, जितने लोग हैं उतने, मतलब कितने हैं दे दो, ऐसा। बिल्कुल मैं कुछ यूनिवर्सिटी से भी जुड़ा हुआ हूँ जो कि चंडीगढ़ में, जयपुर में, वहां पे उनका लार्ज स्केल प्रोडक्शन जैसे होता है ना, कि वो 300 लोग एमबीए में, 300 लोग इंजीनियरिंग में रखते हैं और 300 के 300 वो कंपनी एक्स कंपनी वाई लेके जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा लोग। और ये मतलब मेरा उम्मीद है ऐसा, और ईश्वर करे ऐसा ही हो कि ये ज्यादा थोड़े दिनों बाद, क्योंकि हमारे पे प्रोडक्शन प्रेशर, सारा जीडीपी को मेकअप करने का प्रेशर आ जाएगा, हो सकता है हम बहुत जल्दी ही रिवाइव करते हैं, लेकिन नहीं रिवाइव करते हैं, ये समस्या रहेगी उस टाइम पे। आई थिंक देर आर, ये आपकी सिचुएशन है। मैं फिर से वापस 1990 का एग्जांपल लेके लूंगा कि हम तीन दोस्तों की बात करता हूँ। मेरे पास, क्योंकि मेरी मेरी जीवन में उस समय में मेरी एक ही मेरी दिली तमन्ना थी, वो ये थी कि मेरे को एक मनीष भटनागर की तरह एक हरे रंग का या नीले रंग का बजाज कावासाकी खरीदना है, ठीक है। उसके पैसे मेरे पास थे नहीं, तो मैं चाहता था कि मेरी नौकरी लगे और मैं ये मोटरसाइकिल खरीदूं। तो मुझे मेरे मेरे पास लिखी मैंने लिखा हुआ है कि मेरे को 2,000 रुपये महीने की नौकरी चाहिए, और चाहिए ही चाहिए। मेरे को किसी ने बोला, मेरे पिताजी ने बोला तू एमटेक कर ले, मेरे माँ किसी ने बोला तुम ये पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, मैंने कहा नहीं, मेरी मर्जी ये है कि मैं नौकरी करूंगा और मेरे को 2,000 तक की कम से कम तनख्वाह चाहिए। अच्छी बात है, 2,000 की मिल गई, मैं अपना इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ और मोटरसाइकिल खरीदना है मेरे को, कैसे भी तरह कर पैसे जोड़ूंगा खरीद। वो मेरा, क्योंकि मेरा मन ऐसा करता था, तो मैंने उस डायरेक्शन में काम किया। मुझे मेरे को मुझे याद है 200 रुपए की नौकरी मिल गई, ठीक है। एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने नौकरी शुरू करी, लेकिन उनका ये उनका मतलब ये 2,000 2,400 रुपए में कोई आनी जानी नहीं है जॉब, बिकॉज ही कुड अफोर्ड दैट। उसने आगे पढ़ाई करी, उसने एमबीए करी, एमबीए करने के बाद में 2 साल, फिर उसके बाद उसको 1 साल नौकरी ढूंढने में लगा, उसने सब अपनी स्किल्स को बढ़ाया, और 3 साल के बाद वो जितनी तनख्वाह मेरी थी उससे डबल सैलरी पे नौकरी पे, और आगे भी तरक्की उसने बहुत ज्यादा करी। लेकिन मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं हुई, क्यों? क्योंकि मेरा जो मेरी रिक्वायरमेंट अलग थी, मैंने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करी, उसकी रिक्वायरमेंट अलग थी, उसने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करी। मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जिन्होंने बोला कि नहीं, मेरे को नौकरी चाहिए तो सॉलिड ही चाहिए, मैं आगे पढ़ाई भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं आईएएस की तैयारी करता हूँ। उन्होंने बोला कि आईएएस की तैयारी करी, आईएएस में निकल गए, आज भी बहुत अच्छी नौकरियों पे है, बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि जहां पे आपने निश्चय कर लिया कि आप क्या करना चाहते हो, अगर आपने निश्चय कर लिया कि आपको इस दौर में भी नौकरी करनी है, आप ट्राई करिए। मैं अपने सारे जो छोटे भाई बहन हैं उनको यही बोलूंगा कि आप ट्राई करो, ऐसा कुछ नहीं है कि नौकरी, क्योंकि जहां पे आपको इनसिक्योरिटी है कि अच्छी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जो एचआर वाले लोग हमारे जैसे हैं उनकी इनसिक्योरिटी आपसे ज्यादा होती है कि हम अच्छा एम्प्लॉय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सही बात। हाँ, सो ये एक बहुत सोचने वाली बात है, ये चीजें। हाँ, क्योंकि दोनों डरे रहते हैं, जो लेने वाला वो भी डरा हुआ है और जो इंटरव्यू देने वाला है वो भी डरा हुआ है। सो आप ये मानिए कि जितनी आपकी जरूरत है उससे ज्यादा सामने वाले की जरूरत है। आप खाली, यू हैव टू बी कैपेबल, पूरी तैयारी करके इंटरव्यूज दीजिए, टेस्ट दीजिए, यू बी गुड एंड पीपल विल फाइंड यू। देर सवेर, महीना, 2 महीना, 4 महीना लग सकता है, बी पेशेंस, नौकरी मिल जाएगी, लेकिन और भी ऑप्शंस हैं, आप उन ऑप्शंस को जरूर देखें। जैसे कि आपको, अगर आप चाहते हो कि ये टाइम में मेरे को नौकरी औनी पौनी मिलने वाली है, कोई बढ़िया बड़ी वाली नौकरी नहीं मिलने वाली है, नो हार्म इफ यू कैन अफोर्ड इंक्रीज योर स्किल्स। आप या आगे पढ़ाई करो या अपने स्किल्स बढ़ाओ, आप स्वरोजगार, आप अपना स्टार्टअप की तरफ देखो, इफ यू कैन स्पेंड सम मनी, इफ यू कैन डू समथिंग विच यू लाइक टू डू,
लेकिन उसके लिए जो भी आप करना चाहते हो यू बी डिटरमिंड, आप में होनी चाहिए और उसका आप उस चीज में घुस जाओ, नो रिग्रेट्स। मतलब मैं ऐसा करता तो ऐसा होता, वैसा करता तो वैसा, फिर यार वो तो कुछ भी हो सकता। अगर मैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं अगर उनको एयरफोर्स को चिट्ठी लिख देता कि भाई मैं से नहीं आ पाया, मेरे को आप कृपया नौकरी दे दो, तो हो सकता दे भी देते, लेकिन मैंने उस टाइम नहीं किया, तो नहीं किया, फिर मेरे को दूसरी नौकरी, मतलब समय लगा, थोड़ी एंग्जाइटी हुई, बट उसमें भी कई चीजें हमने सीख ली। सो आपके पास ऑप्शन क्या है, आप जो नौकरी मिल रही है आप ढूंढ के ढूंढ सकते, बट यू हैव टू बी गुड। प्लीज रिमेम्बर, अगर आप में मेटल नहीं है तो फिर आप किसी और को दोष मत दीजिए। तो बेसिकली दोष देने की जरूरत नहीं, आप डिसाइड करो, और अगर आपको लगता है कि अभी आपको जॉब करना सख्त जरूरी है तो फिर जितने पैसे का जॉब मिले आप कर लो, कर लो, कर लो, तो मिलेगी। ऐसा नहीं है, मतलब कि अच्छे लोगों की कमी है। आज भी मैं सुबह से लेके आधा दिन, मेरे को हम एक प्रोजेक्ट मैनेजर ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, मैं पब्लिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन आज हम सीईओ से यही बात कर रहे थे कि यार 20 देख लिए कोई ढंग का नहीं मिल रहा। सो हमारी एंजाइटी भी है कि यार कोई, सही बात है, क्योंकि कंपनियां एक बार हायर कर लेती है तो उसको फायर करना बहुत मुश्किल है। Then you have to live with that person. Correct. तो मेरा कहना है कि राजेश, आज तुमसे बात करके जो इनसाइट्स मिली हैं, जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस तुमने बताए हैं, बहुत मोटिवेटिंग है। एवरीथिंग इज सो मोटिवेटिंग। और मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे एक्सपीरियंस पर्सन के साथ मैं चाहूंगा कि हम गेसू के स्टूडेंट्स की 1-to-1 चर्चा कराएं। आप उनको गाइड कर सकते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, जॉब में जाने के लिए बेहतर तैयारी क्या हो सकती है, और इसके अलावा हमारे गेसू के तमाम लोग जो कहीं ना कहीं आज जॉब में हैं, नौकरियां कर रहे हैं, उनको तुमको गाइड करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और आज ये कोविड के बहाने जो प्लेटफॉर्म हमें मिल गया है, हम फिर इसका इस्तेमाल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप फिर से हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे। एनी टाइम। हम तो देखो गेसू के लिए तो क्या बताएं, मतलब आई डोंट नो, ये बहुत, हम अभी 30 साल हो गए हमें निकले, तो बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं है, कुछ समय तक बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, बट वी वुड लाइक टू डू दैट। ग्रेट। तो मित्रों, जो लोग आप चैट में हैं हमारे साथ, आप राजेश के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं, इस जो हम जो ये प्लेटफॉर्म पे संवाद हमने शुरू किया, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो अगले 1 मिनट में आप अपने अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। इट विल बी वेरी नाइस टू नो योर फीडबैक। और राजेश, आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी मांगे जा रहे हैं। जी, मैं फोन नंबर दे दूं या आप लिंक्डइन आईडी दे दूं? मैं फोन नंबर दे देता हूं। तो एक काम हम करते हैं, तुम चैट बॉक्स में डाल दो। राजेश हमारे साथ, राजेश का संपर्क मुझे लग रहा है कि हमारे साथ अभी टूट गया है। और दोस्तों, आपके जितनी भी आपके कमेंट्स हैं, मैं राजेश तक जरूर पहुंचा दूंगा। और एक बहुत ही इंसाइटफुल, एक बहुत ही मोटिवेशनल टॉक हमें मिली है। राजेश, या तो आपने वीडियो बंद कर दिया है या बंद हो गया है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक बार फिर से अपना वीडियो ऑन करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। तो राजेश ने आज जो इंसाइट्स हमको बताई है, ये बहुत ही काम की है। और राजेश, बहुत मजा आ गया एक बार फिर से तुमसे बात करके, दिल खुश हो गया और वही गेसू के दिन भी याद आ गए। और मुझे गर्व है कि गेसू के दोस्त हमारे आज इतने बड़े पदों पर हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने इसके पटेल सर से बात की और उनसे बिजनेस का पर्सपेक्टिव मिला। आज तुमसे हम इंसान का पर्सपेक्टिव मिला। दोस्त, बहुत बहुत सब लोग कह रहे हैं कि बहुत ही इंसाइटफुल टॉक रहा और अच्छा डिस्कशन रहा।
मैं भी बहुत खुश हूँ और सब लोगों की तरफ से मैं कुछ तालियां बजाना चाहता हूँ। तालियों की आवाज आप यहाँ सुन नहीं सकते लेकिन देख सकते हैं, शायद हमारे दिल की भावना यही है। थैंक्स राजन, थैंक यू। सर, ये तो क्या है कि उम्र के इस दहलीज पे जब घर में ना बीवी ना बच्चे आपकी कोई बात सुनते हैं, हाँ ऐसे मौकों में हमें भी बड़ा मजा आता है कि कोई तो सुन नहीं, सही बात है लेकिन मजाक की बात नहीं है, लेकिन ये बहुत बहुत काम की बात नहीं, है। थैंक और यू सो मच। ये प्लेटफॉर्म आपने दिया और मैंने भी लुपक के लिया। हाँ ये मेरे लिए पर्सनल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि क्या है कि पता नहीं, ऑब्वियसली हम लोगों ने कोई कोई मैनेजमेंट की प्रेजेंटेशन वाली बात हमने नहीं करी, बिल्कुल क्योंकि वो मुझे ऐसा लगा कि ये परिवार में हम बात कर रहे हैं, मतलब सही बात, हाँ, तो वो परिवार में फिर हम लोग वी कांट बी फॉर्मल, सो कुछ भी फॉर्मल नहीं था। हमने बहुत ही जो दिल की बात है ना, वो जैसे अपने भाई को अपने बंधु को कोई कोई बात बताता है सुनाता है, तो उसी तरह से किया। आई होप पीपल लाइक इट, नहीं तो फिर वैसे भी झेलना तो पड़ेगा, सीनियर भाई मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मैं भी तुमको झेल रहा हूँ, मैं भी सॉरी आपका सॉरी 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 सीनियर हूँ। बहुत सारे बहुत सुपर सीनियर यहाँ पर हैं। असली बात यह है कि दिल से तुमने बात की और वो बहुत पते की बात है, दिल से बात की लेकिन दिमाग की बात की। और बहुत बहुत धन्यवाद, और यहीं पर हम बात को अपनी समाप्त करते हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि वेल कंडक्टेड पुनीत सर, तो मैं भी थोड़ा सा श्रेय तुम्हारे साथ ले लेता हूँ। आप अभी हम क्या बताएं, मतलब जो हमने आपको देखा बता दो है, बता दो मैं एक्चुअली पहली बार मुझे याद है कि मैंने हमारा एक कोई कॉलेज में स्पर्धा हुई, मेरे कल डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट था या कुछ कुछ भाषण देना था, कोई कविता पाठ था, तो उसमें जब पुनीत जी ने उस पुनीत जी से पहले भी, क्योंकि हम लोग ऐसी जगह पे रहते थे हिमाचल में, वहां पे हम लोग हिंदी, हमें लगता था कि हम हिंदी बोलते हैं लेकिन हमारी बिल्कुल जो थी वो हिंदी नहीं थी, पता चला उज्जैन आके। तो वहां पे हमने जब लोगों, हम बहुत इंप्रेस हो जाते थे कि कितनी बढ़िया बोलते, लेकिन उसके बाद जब हमने आपको सुना वो का दिन, मैं लोगों को यही बोलता हूँ, अपने परिवार में भी अपने दोस्तों को भी, के अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मैं नागरपुर, अरे क्या बात कर रहे हैं, नहीं, आप आपको पता नहीं है, या मतलब आई आप वॉन्ट टू बी वेरी हम्बल, आई वॉन्ट टू बी यू वेरी आर बींग हम्बल, बट यू आर वन ऑफ द बेस्ट ओरेटर आई हैव एवर सीन। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। अब बहुत ज्यादा तारीफ मेरी हो गई, हमको यही बंद करना पड़ेगा क्योंकि फोरम तुम्हारा है और तुमने जो गजब ढाया है दोस्त, ये लोग बरसों तक तो याद रखेंगे। मुझे जिस तरह के कमेंट मिल रहे हैं, मुझे उससे ये समझ में आ रहा है। तो आप भी अगर हमारे जो श्रोता है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे कुछ कहना चाहते हैं तो आखिरी के 30 सेकंड्स में अपनी बात रखें और उसके बाद हम इस संवाद को आज यहीं पर विराम देंगे। आप क्या नहीं, कहना थैंक यू चाहते सो हैं? मच। नहीं कुछ नहीं, एक्चुअली बहुत चीजें हो गई, ये डर है लेकिन नहीं भी है, आप इसको आप अंडरमाइन मत करो, बट एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो डरना था डर लिया, अभी हम भी यही सोच रहे थे कि यार कोरोना से बचिए, ये करिए, घर से बाहर मत निकलो, ये जरूरी था, वो डर का फेज भी जरूरी होता है, क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें आदमी समझता है, जानता है, अवेयर हो जाता है। अब वो जब आप अवेयर हो गए हो, उसके बाद में अब उठिए, निकलिए बाहर, कुछ अच्छा ही होगा। ग्रेट, तो आज इस मोटिवेशनल नोट पर हम बात को यहाँ पर विराम देते हैं। मैं खत्म करता हूँ, नहीं बोलता हूँ, क्योंकि आगे और भी कई सेशन हम करने वाले हैं और भी हमारे जी देशों के और भी कई सितारे हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो शब्बा खैर, गुड शब्बा, नाइट, शुभ रात्रि, जय थैंक यू सर, थैंक यू, हिंद, जय भारत, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो नाइस, थैंक यू।